अंजू बन गई अब फातिमा, आखिर क्यों रखा ये नाम, क्या है फातिमा का मतलब। भारत की अंजू और पाकिस्तान के नसरुल्ला खान की दोस्ती अब प्यार में बदल गई और शादी तक जा पहुंची, क्योंकि अंजू ने पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला खान से शादी कर ली। इसके साथ एक और चौंकाने वाली खबर ये कि अंजू ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम अंजू से फातिमा रख लिया। इसके साथ ही बीते दिनों इस खबर ने भी दिन रात जोर पकड़ा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अंजू ने जो अपना नाम रखा है फातिमा, आखिर ये क्यों रखा है, इस नाम का मतलब क्या है। तो आपको बता दें कि फातिमा नाम को मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। आखिर फातिमा का अर्थ क्या होता है, इसके लिए आपको ये भी बता दें कि इतिहास में पैगंबर मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा और ये शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसको रूहानी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का मतलब अगर आपको बताएं तो इसका मतलब होता है मनमोहक और चमकता हुआ। तो वहीं ये नाम पैगंबर मोहम्मद की बेटी का था, इसलिए मुस्लिम परिवार पैगंबर साहब की बेटी के नाम पर खुशी खुशी अपनी बेटी का नाम फातिमा रखते हैं। पैगंबर साहब की बेटी फातिमा एक परफेक्ट महिला के रूप में हमेशा याद की जाती है। तो वहीं अंजू थॉमसन बचपन से ही हिंदू थी। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में तो अंजू थॉमसन को फातिमा कहा जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अंजू जन्म से हिंदू थी और उनके बड़े होने पर उनके पिता गया थॉमस ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके कारण वो हिंदू से ईसाई बन गई और अब उसके इस्लाम कबूल करने की खबरें मीडिया में जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से अंजू और नसरुल्ला फेसबुक पर बातें करते थे। अंजू ने खुद ये बात कबूली है कि वो नसरुल्ला से बहुत प्यार करती है। उसने वीडियो जारी कर कहा है कि उसकी प्रेम कहानी सीमा हैदर की तरह नहीं है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा और वो वीजा मिलने के बाद ही पाकिस्तान आई, जल्द ही भारत वापस भी आएगी। तो वहीं ये देखने वाली बात होगी कि जब अंजू वापस आएगी तो वो मीडिया में क्या बयान देती है। जाहिर है कि 35 साल की अंजू की शादी 2007 में अरविंद से हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, जिसमें 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू पति, बच्चों और घर तीनों को छोड़कर पाकिस्तान गई है। तो वहीं नसरुल्ला की उम्र 29 साल है और उसने दावा किया है कि वह अंजू से बहुत प्यार करता है और अब इन दोनों की खबरों ने पूरा जोर पकड़ा हुआ है। तो वहीं अंजू के पिता का भी बयान सामने आया था, जिसमें अंजू के पिता ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि उनके लिए अब अंजू मर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि उसने वो काम किया है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, अब से उनका अंजू से कोई रिश्ता नहीं है। सो मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा हो, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था, फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।